हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बीएसएफ की अनूठी पहल, शहर से सरहद तक पौधारोपण, पर्यावरण संरक्षण में सबकी भागीदारी जरूरी। कुमार, बीएसएफ के अधिकारियों, जवानों एवं उनके परिजनों ने किया पौधारोपण। सीमा सुरक्षा बल ने रविवार को अनूठी पहल करते हुए शहर से सरहद तक पौधारोपण अभियान चलाया। इसके तहत सेक्टर एवं वाहिनी मुख्यालय के अलावा पश्चिमी सरहद पर बड़ी तादाद में पौधारोपण किया गया। इस अभियान में सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों, जवानों एवं उनके परिजनों ने शिरकत की। बाड़मेर सेक्टर मुख्यालय में 50वीं वाहिनी की ओर से आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम के दौरान उप महानिरीक्षक विनीत कुमार ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण में सबकी भागीदारी जरूरी है। सीमा सुरक्षा बल सरहद की हिफाजत के साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए तत्पर है। उन्होंने कहा कि सेक्टर मुख्यालय से बॉर्डर तक बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया जा रहा है। इस दौरान उप महानिरीक्षक विनीत कुमार ने कहा कि पौधारोपण करने के साथ उसके वृक्ष बनने तक सार संभाल की जाए। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण में आमजन की सक्रिय भागीदारी की जरूरत जताई। बीएसएफ की 50वीं वाहिनी के कमांडेंट नरेश चतुर्वेदी ने पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण के महत्व का प्रकाश डाला। उन्होंने कार्यक्रम में सहभागिता के लिए सबका आभार जताया। इस दौरान सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों, जवानों एवं उनके परिजनों ने पौधारोपण कर उनकी संभाल का संकल्प लिया। सीमा सुरक्षा बल क्षेत्रीय मुख्यालय एवं 50वीं वाहिनी की ओर से सीमा सुरक्षा के साथ पर्यावरण सुरक्षा की प्रतिबद्धता के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश अनुसार यह पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान नीम, शीशम, पीपल, केर सहित विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए गए। इसी तरह सीमा सुरक्षा बल 142 वाहिनी परिसर में सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों, अधीनस्थ अधिकारियों एवं जवानों ने पर्यावरण प्रथम रक्षा पंक्ति शीर्षक के साथ परिवार सहित पौधारोपण अभियान चलाया। इस मौके पर द्वितीय कमान अधिकारी एवं कार्यवाहक कमांडेंट पारसमल झिनगर के नेतृत्व में पौधारोपण अभियान के तहत एक फोटो वाहिनी की ओर से भारत पाकिस्तान सरहद पर 2200 एवं वाहिनी परिसर में 1100 पौधे, कुल 3300 पौधे लगाए गए। इसमें नीम, सरेस, कीकर और गुलमोहर के पौधे शामिल थे, जिन्हें वाहिनी नर्सरी में तैयार किया गया था। इसके अतिरिक्त बैनर, पोस्टर, पैम्पलेट के माध्यम से संपूर्ण बटालियन परिसर में पर्यावरण जागरूकता के लिए प्रचार किया गया। कार्यवाहक कमांडेंट पारसमल जीनगर ने बताया कि वाहिनी का लक्ष्य सरहद पर राखों की तादाद में सीड्स बॉल लगाकर पूरे थार रेगिस्तान को हरा भरा बनाना है। जागरूक टीवी के बाड़मेर से ठाकरा राम मेघावल की रिपोर्ट।